कोरोना पॉजिटिव दर्दियों की ऑक्सीजन की पैदा होती कमी और तंगी को दूर करने के लिए वडोदरा जिला प्रशासन द्वारा सही ढंग से व्यवस्था का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी वडोदरा जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल ने दी थी। वडोदरा शहर के विविध अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव दर्दियों के लिए फिलहाल एक गंभीर समस्या बना है कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करना। तो वहीं वडोदरा प्रशासन द्वारा भी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिशें की जा रही है। शहर के नौलखी मैदान पर प्रारंभ किए गए वैसे ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर ये ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अब सही ढंग से व्यवस्था का आयोजन किया गया है, जहां नौलखी मैदान पर एक साथ 12 जितनी गाड़ी ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए आ पहुंची थी। शहरी अस्पताल में 6000 से भी अधिक दर्दी ऑक्सीजन पर निर्भर बने हैं। ऐसे में दर्दी को ऑक्सीजन की कमी पैदा न हो और उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो, उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी हरकत में आने के साथ सतर्क बना है। पिछले 10 दिनों के दौरान 10 से 40 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का जत्था आ रहा है, जो काफी पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है। कलेक्टर शालिनी अग्रवाल, ओएसडी डॉक्टर विनोद राव सहित अन्य अधिकारियों द्वारा नवलखी स्थित प्रारंभ किए गए वैसे रिफिलिंग सेंटर की मुलाकात लेते हुए तमाम व्यवस्था और आयोजन के बारे में कलेक्टर ने जानकारी दी थी। शहर अने जिल्ला मा हॉस्पिटल्स मा ऑक्सीजन नु सुचारू रूप थी वितरण थाय અને કોઈપણ પ્રકારનું ડાયવર્ઝન ના થાય એમના માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તરફથી સતત પગલાઓ લેવામાં આવી રહ્યા છે। એમના જ ભાગરૂપે 11 જેટલા ઉત્પાદન એકમોમાં આજે નાયબ મામલતદારની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। નાયબ મામલતદાર ત્યાં 11 જેટલા મોટા લિક્વિડ ઓક્સિજન અને ઓક્સિજનના ઉત્પાદક ઉપર ફરજ બજાવશે અને ત્યાંથી ટેન્કરનું મૂવમેન્ટ વ્યવસ્થિત રીતે થાય, એમનું પુરવઠા એના એમનું વિતરણ વ્યવસ્થિત રીતે થાય, બધા ડીલર્સ સપ્લાયર્સ બોટલર્સ રિફિલર્સ સાથે સંકલન થાય, કોઈ પણ પ્રકારનું ડાયવર્ઝન ત્યાંથી અથવા તો રસ્તામાં ના થાય એમને માટેની સમગ્ર નિગરાની ડેપ્યુટી મામલતદાર્સ પોલીસના સંબંધિત કર્મચારીઓ સાથે સંકલનમાં રહીને કરશે અને ઓક્સિજનનું સુચારુ રૂપથી વિતરણ થશે એમને માટેની કામગીરી કરશે।